नमस्कार एकेडमिक न्यूज में आज हमारे साथ हैं अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के कुलपति डॉक्टर राजकुमार आचार्य जी। भारत के विख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कप्तान अवधेश प्रताप सिंह के नाम पर रीवा विश्वविद्यालय का नाम पड़ा अवधेश प्रताप सिंह रीवा विश्वविद्यालय। 1968 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और 1972 में UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से इसे मान्यता मिली। यह विश्वविद्यालय विंध्य क्षेत्र के रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर और शहडोल जिले के 147 शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों से संबद्धता प्राप्त है। इस विश्वविद्यालय से 2 आयुर्वेद महाविद्यालय भी संबद्ध हैं। इस विश्वविद्यालय में 13 नियमित और लगभग 4500 वित्तीय पाठ्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। रीवा शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित इस विश्वविद्यालय में देश विदेश से लगभग 3000 छात्र प्रतिवर्ष अध्ययन करने आते हैं। अभी हाल ही में 2 जनवरी 2021 को इस विश्वविद्यालय को डॉक्टर राजकुमार आचार्य के रूप में नए कुलपति मिले हैं। 22 जून 1961 को जन्मे डॉक्टर राजकुमार आचार्य की आरंभिक शिक्षा दीक्षा मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के करेली में हुई है। उन्होंने MCOM, LLB व PhD की उपाधि अर्जित की है। APS विश्वविद्यालय रीवा को अपने नए कुलपति से काफी उम्मीदें हैं। तो आइए मिलते हैं कुलपति डॉक्टर राजकुमार आचार्य से। एकेडमिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा यूनिवर्सिटी में उपस्थित हैं। प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार आचार्य जी, वर्तमान में आप अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति जी हैं। इसके लिए हमारा एकेडमिक न्यूज चैनल आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता है। धन्यवाद। 22 जून 1961 को जन्मे डॉक्टर राजकुमार आचार्य की आरंभिक शिक्षा दीक्षा मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के करेली में हुई है। उन्होंने MCOM, LLB व PhD की उपाधि अर्जित की है। मध्य प्रदेश की और देश के अन्यान्य विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों के लिए थीसिस आकलन का काम मेरे द्वारा किया गया है और शैक्षणिक जगत की अन्यान्य जितनी भी, चाहे पेपर सेटिंग से लेके और अन्यान्य इंटरव्यूज और एकेडमिक साइट के जितने भी कॉम्पिटिशन इत्यादि की तैयारियां हैं, उन सब के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम मेरा हमेशा रहा है और वही सब आके मेरे जीवन में मुझे आज कुलपति पद तक के लिए लाने के लिए जिम्मेदार वास्तव में रहे। रीवा विश्वविद्यालय की बागडोर अब डॉक्टर राजकुमार आचार्य जी के हाथों में है। आइए जानते हैं डॉक्टर राजकुमार आचार्य से कुछ उन्हीं के बारे में। जीवन परिचय ऐसा है कि जन्म मेरा सागर से है, लेकिन बचपन मेरा करेली में, मूल स्थान है मेरा, परिवार करेली में पिछले 250 साल से रह रहा है और मैंने बचपन से अपने परिवार के साथ अपनी प्राथमिक और स्कूली शिक्षा को करेली में ही पूरा किया है। ग्रेजुएशन मैंने सागर विश्वविद्यालय से करते हुए पोस्ट ग्रेजुएशन इंदौर विश्वविद्यालय से किया है और उसके बाद PhD मेरे द्वारा करेली कॉलेज में जॉब करते हुए और सागर विश्वविद्यालय के अंतर्गत मैंने PhD की है। कृषि यंत्रीकरण पर मेरी PhD रही है। उसके बाद मैंने बच्चों को पढ़ाते हुए ही LLB का भी अध्ययन किया है। LLB की शिक्षा मैंने नरसिंहपुर PG कॉलेज से ली है और उसके बाद महाविद्यालय में वाणिज्य के प्राध्यापक रहते हुए एक अच्छे अध्येता के रूप में और सामाजिक रचना से जुड़ने के साथ साथ मैंने जबलपुर विश्वविद्यालय, जब हमारा संबद्ध महाविद्यालय के अंतर्गत आ गया, तब जबलपुर विश्वविद्यालय में मेरे द्वारा और अधिष्ठाता वाणिज्य का भी दायित्व निर्वहन किया गया है। जब आप कर्म करेंगे तो भाग्य अपने आप ही अनुकूल बनेगा, ऐसे विचार रखने वाले डॉक्टर राजकुमार आचार्य एक सामान्य परिवार से होते हुए भी अपनी योग्यता, व्यवहार कुशलता, सबको साथ लेकर चलने की भावना और अपने टाइम मैनेजमेंट के कौशल के कारण ही आज इस मुकाम तक पहुँच पाए हैं। सबसे बड़ा योगदान तो टाइम मैनेजमेंट का है। यदि हम समय के नियोजन में रहते हैं तो जीवन में प्रत्येक कार्य को करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो समय पर प्रत्येक कार्य को करना और दी गई जिम्मेदारी को निष्ठापूर्वक ईमानदारी से पूरा करना, ये आगे बढ़ने के माध्यम है। और टाइम मैनेजमेंट के साथ यदि हम अपने जीवन को, सब प्रकार के कामों को करने के लिए पॉजिटिविटी के साथ, धनात्मक सोच के साथ आगे लाते हैं तो जीवन में कभी कठिनाई नहीं आती है। हमारी सोच सबके साथ सहयोग करते हुए आगे बढ़ने का रहना चाहिए। हमारे व्यक्तिगत अहंकार और ईगो कभी नहीं रहना चाहिए। दिनकर जी के एक वाक्य को मैं हमेशा अपने जीवन में समाहित करके चलता हूँ। दिनकर जी ने कहा है
प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जो ऊंचाइयों पर जाता है और पदों पर बैठता है और कहीं अभिमान में रहता है, तो वो कहते हैं देव ना भी थे, देव ना हम हैं, सब परिवर्तन के पुतले, या कि गर्भरथ में तुरंग सा जो चाहे जितना जुत ले। तो हमें जीवन में कभी अहंकार नहीं पालना चाहिए। जहाँ जिस परिस्थिति में हम पहुँचे हैं वो निश्चित मनुष्य अपने पुरुषार्थ से पहुँचता है, उसके भाग्य से पहुँचता है, लेकिन उसमें कहीं अहंकार नहीं होना चाहिए, स्वाभिमान जरूर रहना चाहिए, जिससे उसके अपने जीवन का उत्कर्ष हमेशा बना रहे। सादा जीवन उच्च विचार के भाव को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का कारण मानने वाले डॉक्टर राजकुमार आचार्य अपने पिता शंकर लाल जी आचार्य को अपना आदर्श मानते हैं। पिताजी द्वारा दी गई सीख, दूसरों के लिए सहायक बनो और जो मिल रहा है उसे सहर्ष स्वीकार करो, जो नहीं मिल रहा है उसे ईश्वर पर छोड़ दो, से डॉक्टर राजकुमार आचार्य हमेशा प्रेरित होते रहते हैं। की श्रेष्ठता और सादा जीवन उच्च विचार के भाव ने मेरे जीवन में स्वाभाविक परिवर्तन लाए। साथ ही साथ मेरे पूज्य स्वर्गीय पिता श्री शंकर लाल जी आचार्य मेरे आदर्श रहे हैं। वो जीवन में बहुत ज़्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन उनका अपना जीवन अत्यंत ईमानदारी, निष्ठापूर्ण और अपने दायित्वों के प्रति हमेशा कर्मनिष्ठ रहा है। बचपन से ही उन्होंने हम लोगों को, जब हम समझदार भी नहीं थे तब भी हमको ये हमेशा समझाया कि बेटा, दूसरों किसी व्यक्ति को कष्ट ना हो, अपने जीवन के कर्तव्य और कर्म को ऐसा बनाना कि सबके लिए तुम सहायक बन सको, और जो मिल रहा है उसको सहर्ष स्वीकारो, जो नहीं मिल रहा है उसकी खेद अपने मन में नहीं रखना है, वो ईश्वर पर छोड़ दो। उस भाव ने मुझे जीवन में आगे बढ़ने की हमेशा प्रेरणा। माथे पर तिलक और सिर पर चोटी, ये चीजें डॉक्टर राजकुमार आचार्य के धार्मिक व्यक्तित्व को स्वतः ही बयां करती हैं। नरसेवा नारायण सेवा के सिद्धांत को धर्म का वास्तविक स्वरूप मानने वाले डॉक्टर आचार्य भारतीय परिवार रचना को धर्म आधारित मानते हैं। धर्म के बारे में उनके विचार आइए जानते हैं। भारतीय परिवार रचना केवल धर्म आधारित है। धर्म एक ऐसा विज्ञान है जिसमें यदि हम प्रवृत्त रहेंगे तो हमारे आचरण और व्यवहार में हमेशा शुचिता और नैतिकता और पवित्रता विद्यमान रहेगी। और मैं जिस परिवार को बिलोंग करता हूँ, हमारी माताजी आज 93 साल की हैं, लेकिन आज भी इस उम्र में भी वो एकादशी का व्रत करती हैं। कहने का भाव यह है कि हम सबको हमारी माँ ने जो संस्कार दी हैं उसमें ये बताया है कि धर्म को आधार मानकर ही अपने जीवन क्रम को, दैनंदिन जीवन क्रम को हम करें। इस कारण बचपन से मुझे जो संस्कार मिले हैं उन संस्कारों के फलीभूत मैं भी एक अत्यंत धार्मिक आस्था का व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं धर्मांध भी नहीं हूँ और ना धर्म के आडंबर में लिप्त रहता हूँ। धर्म के वास्तविक स्वरूप जिसमें नरसेवा ही नारायण सेवा है, परहित धर्म सरस नहीं भाई के भाव को लेकर अपनी जीवन रचना को मैं धर्म के आधार पर चलाता हूँ। विद्यार्थियों को और मेरे युवा देशवासियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने सांस्कृतिक और सनातन संस्कारों को लेकर यदि हम धर्म आधारित जीवन रचना रखेंगे तो कभी भी हमारे पग डगमगाएंगे नहीं और जीवन में असफलता हमें नहीं मिलेगी, सफलता के नए सोपान हम हमेशा पाएंगे। प्रोफेसर आचार्य ने 100 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स में शोध विषयों पर चर्चा की है। वाणिज्य संकाय की लगभग दर्जन भर किताबें उन्होंने लिखी हैं। महाविद्यालयीन शिक्षा में रहते हुए मैं 1984 से शैक्षणिक कार्य कर रहा हूँ और मूलतः वाणिज्य का अध्येता हूँ। वाणिज्य के विद्यार्थी होने के नाते मेरे द्वारा अपने पाठ्यक्रम के विषयों के अध्ययन अध्यापन के साथ लेखन की रुचि रही है। तो मेरे द्वारा मेरे विषय से संबंधित उद्यमिता है, तो प्रबंध के सिद्धांत है, तो सांख्यिकी है, तो अकाउंटेंसी है, अंकेक्षण है, इन पुस्तकों का लेखन कार्य और मेरे द्वारा और कुछ पुस्तकों में सहायकों के द्वारा मिलकर ये कार्य किया गया है, जिसका लाभ आज मध्य प्रदेश सहित देश के अन्यान्य उन विषयों में चल रहे विश्वविद्यालयों के द्वारा और महाविद्यालयों के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। जहाँ तक सेमिनारों में सम्मेलन की बात है तो प्रारंभ से मेरी रुचि किसी भी नवाचार में रही है। शिक्षा जगत में UGC के द्वारा संगोष्ठियाँ और कार्यशालाएं केवल इसलिए आयोजित की जाती हैं कि शिक्षा क्षेत्र के विचारों का समावेश वैचारिक रूप से सैद्धांतिक स्वरूप में हमें मिल सके और उसके आधार पर कुछ नीति निर्धारण हो सके। इसके लिए जब जब UGC के द्वारा कुछ विषयों को लेकर और कार्य किया गया है, मूलतः उन विषयों में हम सब शिक्षा जगत के लोग जुड़ते हैं और इसी कारण मेरी रुचि होने के कारण अपने
शैक्षणिक कार्य को नुकसान न करते हुए और मेरे द्वारा जहाँ कहीं भी मध्य प्रदेश में या देश में अन्य स्थानों पर इवन विदेशों तक में और सेमिनारों में जाने का मुझे अवसर मिला है, जिसमें मैंने विषय प्रतिपादन और अन्य, चाहे वो चेयरपर्सन के रूप में हो, चाहे उद्घाटनकर्ता के रूप में हो, चाहे और कीनोट स्पीकर के रूप में हो, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन समय समय पर किया है। साल 2019 में डॉक्टर आचार्य को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट की ओर से बेस्ट एजुकेशनलिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। द्वारा ये अवार्ड सिंगापुर में आयोजित किया गया था, ATS यूनिवर्सिटी के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित था। यहाँ इंडिया से डॉक्टर अनिल मेहरा और उनकी टीम भी थी, इन सब के साथ मैं सिंगापुर गया था। वहाँ मेरे द्वारा मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट पर अपना प्रेजेंटेशन दिया गया था और विश्वविद्यालय के द्वारा, ATS यूनिवर्सिटी के द्वारा और इंस्टीट्यूशन के द्वारा मुझे उस अवार्ड से नवाजा गया। इसके लिए मैं उस संस्थान के लिए आभार व्यक्त करता हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ये सारे प्रयोग कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्तित्व के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। एक विश्वविद्यालय के VC के रूप में डॉक्टर आचार्य की जिम्मेदारियां आप काफी बढ़ गई हैं, लेकिन रीवा विश्वविद्यालय के VC के रूप में डॉक्टर आचार्य के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, आइए जानते हैं। रीवा विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों की अपेक्षा थोड़ा सा यहाँ से डिफरेंट है, मैं ऐसा मानता हूँ। यहाँ की सामाजिक संरचना, यहाँ की सांस्कृतिक धारा कुछ अलग प्रकृति की है, तो उस सब को लेकर चलने का स्वभाव अभी शिक्षा क्षेत्र में मुझे लगता है यहाँ कुछ न्यूनताएं तो हैं, लेकिन उन न्यूनताओं को यहाँ के ही लोगों के द्वारा सहयोग लेकर और समाप्त करने के बारे में मैं संकल्पबद्ध हूँ और हम सब मिलकर यहाँ की कठिनाइयों से निजात पाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि रूसा की 10 करोड़ की राशि विश्वविद्यालय के द्वारा व्यय की जानी है, साल भर हो गया उसको आए हुई, लेकिन अभी काम नहीं हो पाया है, उस ये कठिनाई अभी सामने है। नेक का इंस्पेक्शन कराना है विश्वविद्यालय को, क्योंकि अभी समाचारों में UGC के द्वारा एक सूचना दी गई है कि 2.5 अंकों से ज़्यादा प्रतिशत रखने वाले ही विश्वविद्यालय और महाविद्यालय संचालित रहेंगे, तो अभी हम 2.5 से कम हैं। हमारी योजना रहेगी कि हम इसको आगे बढ़ाकर A+ तक और आने वाले नेक और इंस्पेक्शन में प्राप्त करें। मध्य प्रदेश शासन ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए 20 जनवरी से ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। ऐसे में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के साथ साथ रीवा विश्वविद्यालय में भी ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो गई हैं। ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करने के लिए दिशा निर्देश थे विश्वविद्यालय के द्वारा। COVID-19 के लिए जितनी सावधानियाँ हैं, जिनमें कि सैनिटाइजर की व्यवस्था है, तो दूरी से बच्चों को बैठाने की रचना है और पर्याप्त मास्क लगाकर और कक्षाएं लेने के बारे में जो दिशा निर्देश हैं COVID-19 के सामान्य, उन सब का परिपालन विश्वविद्यालय कर रहा है और विश्वविद्यालय में सभी विभागों में सैनिटाइजर लग चुके हैं और टेम्परेचर के लिए मशीनें भी आकर उनकी विद्यार्थियों के टेम्परेचर को चेक किया जा रहा है और ऑफलाइन कक्षाएँ आज निरंतर चालू हैं। लॉकडाउन के दौरान अन्य शिक्षण संस्थाओं की तरह ही रीवा विश्वविद्यालय में भी ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई थी, जिससे यहां के छात्रों की पढ़ाई किसी भी तरह से बाधित ना हो। ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हुई थी तो जितने प्राध्यापक और अतिथि शिक्षक हमारे यहां हैं, उन्होंने बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर और नेट के माध्यम से और कक्षाओं का सफल संचालन पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए किया है। राज्य शासन द्वारा समय समय पर सभी विश्वविद्यालयों में नए पाठ्यक्रमों की अपेक्षा की जाती है, इसी के तहत रीवा विश्वविद्यालय के लिए भी कई योजनाएं हैं। निश्चित योजनाएं बन रही हैं, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा भी अपेक्षाएं की जा रही हैं कि विश्वविद्यालयों को नए कोर्सेज चालू किए जाएं, नए पाठ्यक्रम व्यवसाय प्रारंभ किए जाएं। अभी रिसेंट गत दिनों माननीय शिक्षा मंत्री जी और प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा जी के द्वारा बैठक आहूत हुई थी, उसमें तो 2021 की जो नई शिक्षा नीति हमारी है उसको फॉलो हम महाविद्यालय में जरूर करना चाहते हैं। उसी के अंतर्गत विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक मेडिकल महाविद्यालय और साथ ही एक कृषि महाविद्यालय भी खोले जाए, ऐसी शासन की मंशा है। उस पर भी हमारा विश्वविद्यालय आगामी समय में और कार्य करने के लिए विचार कर रहा है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा।
जी हाँ, ये विश्वविद्यालय उसी शहर में है जो ब्रिटिश काल के दौरान एक बड़ी रियासत हुआ करता था और राज्य के प्रमुख शहरों में गिना जाता है। रीवा एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक विरासत है जो अपने प्राचीन किले भवनों के साथ साथ प्राकृतिक खजानों जैसे वन, नदी, झरने आदि के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटन की दृष्टि से हर एक चीज़ जो एक सैलानी को चाहिए वो रीवा और रीवा के आसपास के क्षेत्रों में मौजूद है। इस क्षेत्र को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए एक विश्वविद्यालय का क्या सहयोग हो सकता है, आइए जानते हैं। यहाँ शोध कार्य तो हुआ है लेकिन स्थानीय जो पर्यटन की दृष्टि से और प्रागैतिहासिक दृष्टि से कार्य है, क्योंकि हमारे यहाँ का एक विभाग ही इसको पूरा देखता है, उसमें शोध कार्य तो चल रहे हैं और हुए हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अभी रीवा क्षेत्र को पर्यटन के लिए विकास की संभावनाएं बहुत हैं। आने वाले समय में यदि अच्छा अवसर मिला और शिक्षा क्षेत्र का उसमें कोई योगदान करने की उपलब्धता के लिए अवसर मिला तो जरूर मैं उस क्षेत्र में काम करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करूंगा। डॉक्टर राजकुमार आचार्य ने बताया कि जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों के विचारों और सुझावों को शिक्षा जगत में सुधार और विकास के उद्देश्य से हम सहर्ष ही स्वीकार करते हैं। नहीं, मुझे कोई ऐसा राजनीतिक हस्तक्षेप का सामना नहीं करना पड़ रहा है। बाकी जनप्रतिनिधि समाज के हर वर्ग के लिए अच्छी बात और समाज हितैषी सी बात रखने के लिए प्रवृत्त होती हैं, तो रीवा क्षेत्र के भी जनप्रतिनिधि अच्छी बातों के लिए विश्वविद्यालय को कभी कभी बातचीत करते हैं और सलाह देते हैं, और उनकी उचित सलाह को मानने के लिए हम भी सहर्ष तैयार होते हैं। अवधेश प्रताप सिंह, रीवा विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति डॉक्टर राजकुमार आचार्य, विश्वविद्यालयी गतिविधियों के साथ साथ अन्य सामाजिक गतिविधियों में भी काफी रुचि रखते हैं। धार्मिक स्थलों पर भ्रमण का मौका हो या रीवा क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बात हो, डॉक्टर आचार्य हर क्षेत्र में अपनी सहभागिता रखते हैं। विंध्य क्षेत्र बहुत प्राचीन क्षेत्र माना जाता है और प्राकृतिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से इस क्षेत्र का बहुत महत्व है। उसी महत्व की श्रृंखला में गुड़ के नज़दीक ये खामडी गांव जो है, जहां प्राकृतिक रूप से भैरव बाबा की प्रतिमा मिली हुई थी, पूर्व में यहां एक छोटा गुंबदनुमा मंदिर भी था, संभवतः अब शासन की योजना से उसे एक विशाल पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की मध्य प्रदेश शासन की योजना है, और उसी योजना के अंतर्गत यहाँ हम देख सकते हैं कि निर्माण के लिए बड़े हैवी कॉलम और स्टार्ट हुए हैं और इस स्थान को निर्मित करके एक बड़ा मंदिर जैसा आकार बनाया जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में यहाँ पर्यटन की संभावनाएं देखी जा सकें। और रीवा क्षेत्र को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए मुझे लगता है खामडी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है, क्योंकि ऐसी सुंदर प्रतिमा और ऐसा कलात्मक स्वरूप पत्थर का इतने विशाल आकार में यदि हम देखने जाएंगे तो मध्य प्रदेश में तो इतनी बड़ी प्रतिमा कोई और दूसरी मुझे लगता है नहीं, अन्य स्थानों पर भी यदि हम देखेंगे। मुझे स्मरण आ रहा है कि मैं दक्षिण भारत गया हूँ, वहाँ मैंने भगवान विष्णु की प्रतिमा का स्वरूप ऐसा आड़ा बड़ा हुआ और कलात्मक स्वरूप में देखा था, लगभग वैसा ही यहाँ भैरव बाबा का है। हम यदि पौराणिक आख्यान में जाते हैं तो भगवान शंकर के गणों के रूप में भैरव को पहचाना जाता है। इवन जब हम वैष्णो देवी जाते हैं, अन्यान्य देव स्थान पर जाते हैं भगवती की आराधना में, तो ये कहा जाता है कि जब तक हम भगवती के साथ भैरव के प्रतिमा के भी दर्शन नहीं कर लेते हैं तब तक और उस दर्शन के पुण्य लाभ हमें प्राप्त नहीं होते हैं। और निश्चित इस क्षेत्र में कहीं कोई देवी शक्ति भी विराजित होगी जिसको हम कह सकते हैं कि ये भैरव पूजित होते होंगे यहाँ, इसलिए इनको बनाने के बारे में कभी और बहुत पहले किसी कलाकार के मन में कोई बात आई होगी। बहुत प्रागैतिहासिक स्वरूप का ये मंदिर है, स्थान है, और इस मूर्ति की कलात्मकता ये बताती है कि भारत और रीवा क्षेत्र ऐसा समृद्ध और कलात्मक क्षेत्र रहा है जहाँ कला के मामले में और एक से एक कलाकार रहे जिन्होंने इस जैसे निर्माण को बनाया है। APS यूनिवर्सिटी रीवा के पूर्व VC प्रोफेसर पीयूष रंजन अग्रवाल ने अपने कार्यकाल से बहुत पहले ही सिर्फ 11 माह के कार्य अवधि को पूरा करके इस्तीफा दे दिया था। इसके पीछे उनके निजी कारण बताए जा रहे हैं, आइए जानते हैं कि विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति का क्या कहना है इस बारे में। आदरणीय राकेश रंजन जी यहाँ पूर्व कुलपति रहे हैं,
यहाँ की उनकी अपनी ऑफिशियल प्रॉब्लम्स थी और कुछ उनके अपने व्यक्तिगत नज़रिए या ख्वाब होंगे कि उनके मन में कुछ कठिनाइयाँ आई हैं जिनके कारण उन्होंने स्वाभाविक और यहाँ से इस्तीफा देकर अपने कार्य पर वापस वो अपने मूल स्थान पर लौट गए। मुझे बहुत जानकारी इस संबंध की नहीं है कि उसके मूल में क्या कारण रहा हो, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि कुलगुरु का जो पद है विश्वविद्यालय में बहुत गरिमापूर्ण होता है और उस गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संपूर्ण शिक्षा जगत की और समाज की होती है, और साथ ही जो उस पद पर बैठता है उसको भी अपनी गरिमा और पद का संज्ञान हमेशा रहना चाहिए। यदि ये रहता है तो मुझे लगता है कोई कठिनाई कर्तव्य निर्वहन में नहीं होती है। रंजन साहब के अपने कोई व्यक्तिगत कारण होंगे, इसके कारण हो सकता है उन्होंने उसके कारण यहाँ से इस्तीफा दे के चले गए। स्वर्गीय श्री अब्दुल कलाम आजाद का अनुसरण करते हुए डॉक्टर राजकुमार आचार्य युवाओं को अपना विजन बड़ा रखने की सलाह देते हैं। इस सब में वास्तव में युवाओं का काम है और युवाओं को मेरा एक ही संदेश है कि यदि वो शिक्षा जगत से जुड़े हैं तो शिक्षा के कार्य को प्राथमिकता देते हुए अपने लक्ष्य को कभी भूले ना। जैसे गेम खेलने वाला, फुटबॉल खेलने वाला खिलाड़ी यदि गोल पोस्ट को भूल जाएगा तो उसकी जो किक है बॉल पे वो कहीं भी पड़ेगी, ऐसे शिक्षा जगत से जुड़ा विद्यार्थी उसको हमेशा अपने गोल पोस्ट को तय करना चाहिए। लाइफ के लिए लंबा लॉन्ग, जैसा कलाम साहब ने कहा है कि हमारा विजन एकदम हाई होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो विजन हमारा बड़ा रहेगा तो सफलता के सोपान भी अधिक होंगे, क्योंकि जब विजन बड़ा होगा तो हम पुरुषार्थ अच्छा करेंगे। तो मेहनत में पीछे नहीं रहना चाहिए युवा को, और सफलताएं मिलेंगी लेकिन गीता के कर्मण्य वाधिका रस्ते के सिद्धांत पर चलेगा तो सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामय का स्वभाव उसका बनेगा और निश्चित जीवन में वह अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और व्यक्तिगत जीवन के लिए हमेशा उत्कर्ष को प्राप्त करेगा। आपने हमें अपना बहुमूल्य समय हमारे एकेडमिक न्यूज़ को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको, एकेडमिक न्यूज़ को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के कुलपति डॉक्टर राजकुमार आचार्य जी। शिक्षा जगत के एक और व्यक्तित्व के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।